फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। बहुत तरीके का फंड प्रोवाइड कराया जा रहा है, टैक्सेशन में छूट मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने तो लोन भी लॉन्च किया हुआ है जहाँ पर आपको 15% से लेकर 25% तक का सब्सिडी भी मिलती है। हर स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना अलग से लोन स्कीम है जहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं मिल रही है। आखिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इतना क्यों ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? कारण है, लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया है। अब आप जूस पीने के लिए किसी जूस के दुकान पर जाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आप खुद ही एक जूस का पैकेट ले लेते हैं और 2-3 दिन के अंदर में जब मन में आया पी लिए। फ्रूट्स खरीदने का झंझट खत्म, फ्रूट्स को घर पे लाके उसको जूस बनाने का झंझट खत्म। चूंकि समय बहुत फास्ट है, एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, रोड हो, कहीं भी हो, जूस पीने के लिए कहीं आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी दुकान पर पैकेज जूस का दुकान मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना खुद का पैकेज्ड जूस का ब्रांड आप लॉन्च कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। मैं अपने वीडियो में पूरा डिटेल बताता हूँ किस तरीके से बिजनेस करना है, क्या क्या मशीन लगेगा, क्या स्पेस चाहिए, किस तरीके का लोकेशन आपको देखना है, मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, लोन कहाँ से प्राप्त करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट क्या है, टोटल चीज़ शुरू से अंत तक बताता हूँ। बात बाकी के वीडियो के जैसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मशीन दिखला दिए, प्रोसेस दिखला दिए, बात खत्म। उससे बिजनेस नहीं होता है। आपको पूरा बिजनेस शुरू से अंत तक समझना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना धंधा कर सकते हैं। हमारे चैनल पे मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता हूँ, जस्ट लाइक बिजनेस कंसल्टेशन। नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच एंड ऑथर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 10 साल से बिजनेस के फील्ड में हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों को 1-to-1 बिजनेस कंसल्टेशन प्रोवाइड कराया है। हमारी कंपनी myprojectreport.com पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन का काम करती है। लीगल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस कंसल्टेशन सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको भी किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो चाहे लोन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में myprojectreport.com का पूरा डिटेल में दिया हूँ, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट जूस प्रोसेसिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं तो किस तरीके का लोकेशन आपको चुनना चाहिए? लोकेशन चुनने टाइम में हमेशा ध्यान देना है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर सुविधा हो, क्योंकि गाड़ी अगर ठीक से आना जाना वहाँ पे नहीं कर पाएगी आपके फैक्ट्री तक, तो आप रॉ मटेरियल कैसे लाएंगे और बना हुआ प्रोडक्ट फिर आप मार्केट में कैसे बेचेंगे? इसीलिए आपको ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष ध्यान देना है, यानी कि वहां पर रोड बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें पानी। जहां पर भी आप लोकेशन ले वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फ्रूट्स को धोना पड़ता है, फैक्ट्री को भी धोना पड़ता है, तो इसीलिए पानी आपके पास चाहिए होगा। नेक्स्ट हो गया इसमें इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। जनरली अगर आप बना बनाया शेड लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन नहीं होनी चाहिए। कारण है कि वहां पर जनरली इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक अलग सा ट्रांसफार्मर लगवाने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन तभी भी आपको देखना चाहिए कि वहां पर है कि नहीं है। अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो आपका समय बचेगा। ये बेसिक फंडा है जिस पर आपको फोकस करना है लोकेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया, कितना इसमें एरिया का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। जो प्लान मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके लिए एरिया लगभग 1500 स्क्वायर फीट से लेकर आपका 2500 स्क्वायर फीट के बीच में लग सकता है। ये मैं शेड की एरिया की बात कर रहा हूं। कारण है कि आपको इन एरिया में बहुत सारी चीजों को अंजाम देना है। जैसे सबसे पहले हो गया इसमें रॉ मटेरियल को रखना, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर आपका एक यूनिट जो लगा, जो आपका फैक्ट्री का अंदर का मशीन रहेगा, वो मशीन वाला एरिया आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक पैकिंग करेंगे आप तो पैकेजिंग करके, तो आपको पैकेजिंग करने के लिए स्पेस चाहिए। नेक्स्ट हो गया पैकेजिंग कर लिया आपने, तो फिनिश गुड्स को कहीं आप स्टॉक करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि पैकिंग करते करते ट्रक पे लाद दिया, ऐसा होता नहीं है। तो आपको स्टॉक करने के लिए आपके पास जगह होना चाहिए। तो ये सारा चीज कंसिडर करना है जगह लेने से पहले। ये मैं कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी मशीनरी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, इसीलिए आपका इतना ही स्पेस में काम हो जाएगा। बात बाकी आपकी मर्जी है, आप ज्यादा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं मशीन की, कौन कौन सा मशीन इसमें लगेगा, क्या उसकी प्राइसिंग होगी, और उसके बाद बात करेंगे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहला मशीन हो गया इसमें हमारा सेमी ऑटोमेटिक सेंट्रीफ्यूगल जूस मशीन फॉर कमर्शियल। सबसे पहला मशीन तो यही होगा, इसी में आपको जूस निकालना है। तो जूस मशीन के लिए कमर्शियल मशीन आपको परचेज करना होगा, जिसका कीमत इसके अलावा बढ़ भी सकता है, लेकिन मैं कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पे। जितना ज्यादा आपका कैपेसिटी बढ़ेगा मशीन का प्राइसिंग
बढ़ते जाएगा। इसीलिए कम कैपेसिटी का अगर आप मशीन परचेज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मशीन में इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट मशीन इसमें आ गया हमारा एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक कैरेट जूसर। कैरेट जूसर अलग से क्यों? अगर आप कैरेट बीट का भी जूस बनाएंगे तो उसके लिए आपको ये चाहिए। और इस मशीन में सिर्फ कैरेट ही नहीं, इसमें ग्रेप्स हो गया, आंवला हो गया, इन सारी चीजों का भी जूस इसमें निकलता है, तो आपको ये भी लेना पड़ सकता है। इसके अलावा इसमें जामुन हो गया है ना, जामुन का जूस बहुत चलता है, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, इस टाइप का मार्केट में आता है। तो इस तरीके का मशीन आपको चाहिए। वो देखने में छोटा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये कम कैपेसिटी का मशीन है। अब अगर आप कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे तो ये 15,000 की जगह ये 35,000 होगा, ये 1,00,000 हो जाएगा। तो आपको देखना है कैपेसिटी, ठीक। नेक्स्ट इसमें आ गया हमारा स्टेनलेस स्टील प्लेनेटरी मिक्सर मशीन। इसमें चाहिए होगा जो कि जूस को मिक्स करेगा। कई बार उसमें अलग अलग चीजें डालनी पड़ती हैं। जैसे क्या डालना पड़ता है जूस के अंदर में, क्या डालना पड़ता है जूस के अंदर? हमें डालना पड़ता है एसिडिटी रेगुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें आपका कुछ अदर ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल भी हमें डालना पड़ता है जिससे कि जूस हमारा खराब ना हो। इसके लिए इस तरीके का मिक्सर का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। हो सकता है कि ये फोटो के अलावा आपको अलग स्टाइल का मिक्सर दिखे, ये सैंपल है। नेक्स्ट इसमें आ गया हमारा ऑटोमेटिक फ्रूट जूसर मशीन। प्रोसेसिंग प्लांट हमें एक चाहिए होगा जूस मशीन के लिए, बिजनेस के लिए। सो ये प्रोसेसिंग प्लांट मस्ट है। इसका प्राइसिंग भी वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी का लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसका प्राइस वेरी करेगा। नेक्स्ट हो गया इसमें हमारा ऑटोमेटिक फ्रूट पैकिंग मशीन। ये देखिए एक ब्रांड है जिसका नाम है पेपर बोट। अगर आपने इसके जूस कभी यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि पेपर बोट अपने पैकेजिंग के लिए मार्केट में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। बड़ा ही यूनिक पैकेजिंग उन्होंने लाया था, लगभग इसी तरीके से, जैसे लगेगा ना कि वो सच में पेपर का ही है, बट वो पेपर का होता नहीं है। वो कुछ प्लास्टिक पेपर काइंड ऑफ होता है जो कि उसको रिसाइकिल बाद में किया जा सकता है। तो वो बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। सो उस तरीके का अगर आप पैकेजिंग लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी। कारण है कि उसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है, पैसे भी कम ही लगते हैं और थोड़ा ट्रेंडी लगता है। सो एक आपको ऑटोमेटिक फ्रूट पैकेजिंग मशीन आपको परचेज करना होगा 2 किलोवाट का, ठीक है। इसमें भी अगर ये 2 किलोवाट की जगह आप 4 किलोवाट बढ़ाएंगे तो इसका प्राइसिंग बढ़ेगा। नेक्स्ट हो गया इसमें बॉटल फिलिंग मशीन। जो भी आप बॉटल फिलिंग मशीन मैंने आपको दिखाया है ऊपर में प्रोसेसिंग प्लांट में, कई बार उसी में लगा हुआ था, नहीं तो अलग से आपको लेना पड़ेगा। तो बॉटल फिलिंग मशीन का प्राइसिंग आपको 1,00,000। अगर मैं मशीन की बात करूं, जो भी मशीन मैंने आपको दिखाया, तो मशीन की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 7,00,000 के आसपास में मशीन का कॉस्ट जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शेड की, ठीक है ना। ये 7,00,000 to 6,00,000 इसको लिख देते हैं शेड की। शेड आपको रेंट पर लेना है, खरीदना नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। फिर भी आपको शेड में 1,00,000 रुपीज के आसपास में खर्चा जाएगा। रेंटेड रहना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ बार बार। अगर आप रेंट पे नहीं लेके जमीन पर शेड आप डेवलप करेंगे ना, तो 2,000 से 2,500 स्क्वायर फीट का बनाने में ही कम से कम 5,00,000 रुपया लग जाएगा। तो इतना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है आपको। इसके अलावा इसमें एक जरूरी होता है वर्किंग कैपिटल, यानी कि कंपनी का इनिशियल स्टेज में पूंजी चाहिए होता है 3-4 महीने के लिए, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो इसके लिए लगभग आपको 2,00,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर इस अकॉर्डिंग में बात करूं वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, तो ये हमारा लगभग 10,00,000 से लेके 11,00,000 के बीच में इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर आपके पास 10,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जहां पर आप लोन का फायदा उठा सकते हैं। आइए एक एक करके उसको समझते हैं। अभी आपने पूरा डिटेल में देखा किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। अब मैं बात करता हूं फंडिंग की। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना भी मैंने बताया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से इसमें फंड भी प्रोवाइड कराया जाता है। क्या क्या लोन स्कीम है, किस किस लोन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, पूरा डिटेल में आइए इसको समझते हैं। बात करते हैं फंडिंग की। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अलग अलग स्कीम्स के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाती हैं। बात करें अगर हम सेंट्रल लेवल पे, तो भारत सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है PMEGP स्कीम। इस स्कीम के तहत भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50,00,000 तक का लोन इसमें प्रोवाइड कराती है, और इसमें सब्सिडी भी मिलता है 15% से लेके 35% तक के बीच का सब्सिडी मिलता है। दूसरा एक स्कीम है, उसका नाम है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिल जाता है छोटे लेवल पे, 10,00,000 से नीचे का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो मुद्रा स्कीम में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है स्टेट लेवल पे। अगर आप बिहार में बिलोंग करते हैं तो बिहार सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस स्कीम के तहत 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराती है बिहार सरकार, जहां पर आपको सब्सिडी भी मिलता है। खास बात यह है कि इस स्कीम में ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन, इन सारे ही कैटेगरी के लिए इसमें सब्सिडी सरकार प्रोवाइड कराती है। वहीं अगर आप अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने घर की महिलाओं के नाम पर लोन ये प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी स्कीमें लॉन्च की हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है, उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत 25 लाख तक का लोन सरकार प्रोवाइड कराती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और यहां पर भी 25% से लेके 35% तक बीच का सब्सिडी सरकार देती है। हर टाइप के कास्ट कैटेगरी के लिए यहाँ भी उपलब्धता है। इन तीनों में से किसी भी स्कीम में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, अगर आप गुजरात में, तो आप क्या करें, तो आप पीएमजीपी स्कीम का फायदा लीजिए, मुद्रा कर लीजिए, या आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी उद्यमी योजना चल रहा है तो आप उस उद्यमी योजना का फायदा उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लगभग भारत के सभी स्टेटों ने चलाया हुआ है, तो ये हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना पर्सनल योजना है, तो आप या तो उसमें फायदा उठा सकते हैं या पीएमजीपी स्कीम में आप फायदा उठा सकते हैं। किसी भी स्कीम में अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसमें सबसे पहला नंबर डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बगैर आपको लोन नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 5 साल का फाइनेंशियल होते हैं, बैलेंस शीट बना रहता है, डीएससीआर होता है, वेरियस काइंड ऑफ रेशियोज होते हैं, मार्केटिंग एनालिसिस होता है, बहुत टाइप का थ्योरीज होता है, तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती हैं, जिसके बेसिस पर बैंक तय कर पाता है कि आपको लोन दें या ना दें। अभी तक आपने पूरा डिटेल में जाना किस तरीके से बिजनेस काम करता है, फंड हम कहां से ले सकते हैं, चीजें मशीन कौन कौन सी लगी हैं, सारा कुछ आपने जाना। अब मैं बात करता हूं लीगैलिटीज की। अगर आप इस बिजनेस को करने जा रहे हैं तो कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंटेशन को लेना जरूरी है। सबसे पहली बात, चूंकि ये फूड से रिलेटेड है तो आपको एक लाइसेंस लेना होगा, उसका नाम है FSSAI। FSSAI लाइसेंस बेसिकली तीन तरीके का होता है। एक होता है बेसिक, दूसरा हो गया स्टेट लेवल, और तीसरा हो गया सेंट्रल लेवल। आप जो काम करेंगे उसके लिए आपको जनरली स्टेट लेवल का लाइसेंस लेना पड़ सकता है। FSSAI लाइसेंस के अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट पड़ेगा ज़रूरत, वो हो गया आपका GST। GST मस्ट है, बिना GST के आप बेच ही नहीं पाएंगे। तीसरा हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन, चौथा हो गया इसमें ट्रेडमार्क। अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, जैसे बाद बाकियों का है, जैसे ट्रॉपिकाना हो गया या पेपर बोट हो गया, इस तरीके का अगर आप भी अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रांड का ट्रेडमार्किंग करवाना होगा। सो ट्रेडमार्क इसमें लेना ज़रूरी हो गया। नेक्स्ट इसमें डॉक्यूमेंट होता है ISO सर्टिफिकेशन। ISO सर्टिफिकेशन अगर आप अपने ब्रांड का करवा लेते हैं तो आपके ब्रांड के प्रति लोगों का जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाता है, विश्वसनीयता बढ़ती है, इसीलिए आपको ISO सर्टिफिकेशन भी लेना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। myprojectreport.com हर टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, वो चाहे लीगल सर्विसेज हो गया, इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट मेकिंग कराना है, डिजिटल मार्केटिंग कराना है, तो ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे बैठे myprojectreport.com के थ्रू आपको मिल जाएगी। कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम करती है, कंपनी के वेरियस स्टेट्स में अपने अलग अलग फ्रेंचाइजी ऑफिसेज भी हैं। तो अभी अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए myprojectreport.com के साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू कीजिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।